रोड के रोड पे है, इसका रोड का हालत थोड़ा खराब है। और हम लोग जब पिछली बार आए थे तो पूरा ड्राई था, मतलब सारा गोल्डन हो चुका था, और अभी ये फ्रेश फ्रेश ग्रीन एरिया एंड वेरी फ्रेश ग्रास। तो आरू पीछे से कमेंट्री दे रही है। आरू नेक्स्ट लाइन, आरू टेल नेक्स्ट लाइन, व्हाट यू कैन सी हियर, द काउ एंड वी आर इन विलेज। यस वी आर इन रिये गांव विलेज। और ये है सामने का नजारा, इधर वही है, पास ले लेके जाना पड़ता, रास्ता बहुत छोटा है। समझदार गाड़ी उधर ही रुक गया, खींच लो। अरे तो उन लोग के एंड में जगह है, मेरे एंड में जगह है। वही इधर तो खींचा था ना, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, देखो उस साइड वाला। पिछले बार ये छोटा, पिछले बार और छोटा था, और ये छोटा था। बना है हाँ बेटा। और ये गांव डैम से आगे हम लोग का खम्बोली ब्रिज आएगा, और खम्बोली लेक व्यू पॉइंट है, और क्या अवनार ना अनार जो भी है वो देखते हैं सामने जाके। अवंती अवंती हाँ, अवंती नहीं, अवंती खम्बोली वाटरफॉल, खम्बोली वाटरफॉल हाँ, बट अवंती प्राइवेट वाटरफॉल है तो मे भी साथ नहीं। इट्स द खम्बोली वाटरफॉल, लेट्स फाइंड फर्स्ट ना खम्बोली वाटरफॉल, खम्बोली। ये सब नया बाउंड्री हुआ, ये सब पहले पिछली बार नहीं था। ये वाला एक्सटेंड हुआ उस साइड वाला इतना। यस वी आर गोइंग टू द विलेज, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो रिये गांव डैम के पास ही पवार जी का एक फार्म हाउस है। तो हम लोग लास्ट वाले रोड पे आ चुके हैं, इसका पैच और भी ज्यादा खराब है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, वो सामने वो मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है, इधर भी पोल्ट्री फार्म है। ज्यादा पानी देखने को मिला हाँ। अब इन लोगों ने अभी मानसून में नया स्टार्ट किया है, इसी रोड पे गाड़ी लगाने का ₹50 का पार्किंग स्टार्ट किया है, नहीं तो इधर फ्री रहता है लैंड। हाँ वही करेगा, वे लोग पार्किंग लगवाएगा गाड़ी। तो पुणे में मानसून में जो जगह कोई आता भी नहीं है वहां पे भी लोग आते हैं, और अभी नया पार्किंग रूल हो गया है, ₹50 कार पार्किंग, बाइक पार्किंग ₹20, अदरवाइज यहाँ पे कोई आता ही नहीं हम लोग को छोड़ के लगता है। और ये भुट्टे का दुकान भी लग गया, पकौड़ा भजी भी लग गया, इधर पूरी बाइक लाइन से लग गई है उधर वो साइड में। बस ये सामने ही है, इधर से चल के उस साइड, तभी तो बोला है 2 मिनट रुकने के लिए, तो फिर पार्किंग मिल जाएगा, और यहाँ से 20-30 मीटर है नीचे। तो फाइनली हमारी गाड़ी को पार्किंग उधर मिली है, और ये पूरा कीचड़ वाला। और अभी हम लोग जा रहे हैं अब डैम की तरफ। पार्किंग आके देते, आके जब निकालूंगी। तो एक रास्ता इधर से भी जाने का जाइए आप, ये डाउन उतर के फिर ऊपर जाने का है, अब वो दिख रहा है वाटर्स, तो अभी जाते हैं हम लोग इधर से। ये पूरा गांव के बीच में है, और ये सामने जाके एक फार्म हाउस है। अच्छा हम लोग गाड़ी के लिए यहीं से जा सकते हैं गौरव। तो ये बाउंड्री पहले नहीं थी, नो पार्किंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये है पवार का फार्म हाउस। चलो इस ब्रिज से जाते हैं हम लोग धीरे धीरे नम। चलो आगे बढ़ो तो। हाँ। पूरा भरती देख के ना मारू, कोई चीज प्लांट मत टच करना, जैसे इंसेक्ट
कहीं पे भी जाओ बाहर सब जगह कीचड़ है। इधर से भी कीचड़, उधर से भी कीचड़ है। इधर से भी तो आदमी आ रहा है कीचड़ होके, उधर से भी तो। अच्छा तो उधर से चलना है, हम लोग तो इधर से आते थे, बंद कर दिया अभी। काइकिंग हो रहा है, देखो वो लोग फुला रहे हैं। उधर तक नदी तक जा सकती है। तो पैच बहुत ही मडी है, हाँ अभी ठीक हो गया, अभी स्टोन मिलेगा। ये लोग शायद अभी कुछ एक्टिविटी करेंगे। अभी उधर जाओगे ना, उस साइड सबको उधर ही जा रहा है। देखो साइड ना, वो तो उसके ऊपर से जाना पड़ेगा, वो जो लोग खड़े नहीं ज्यादा नीचे नहीं, यहाँ पे पत्थर है, उतना भी पानी नहीं भरा है लेकिन। हाँ वहां तक थोड़ा सा दिखता ही था, ज्यादा कुछ पानी नहीं। हाँ लेकिन ये बात है गौरव, ये फ्लो जो है ना उधर जो वाटरफॉल का लुक हुआ है अभी वो नहीं होता था। अच्छा इसका कैपेसिटी तो इतना है गौरव, बट हाँ ग्रीनरी का डिफरेंस आया ना। और आरू उधर कर लिया, लोग क्या उधर चाय पानी किए गए। वाह सही है, चाय वाय लेके आया घर से, देखे सामने लूडो देखते हैं। इधर नहीं है, उधर पैकिंग, कभी मुलसी की तरफ जब जाएंगे। तो ये जो है ये पर्सनल लेके अपना आए, अपना फुलाया मशीन से और मस्त दोनों कपल निकल गए डेट पे। तो गुड वन ना, गुड वन। और हम लोग चलते हैं भाई अपनी स्विफ्ट वाले लोग स्विफ्ट में, और गौरव को हेल्प करना। गौरव गोबर देख, ये है इतना खूबसूरत रास्ता, और अभी हम लोग जाएंगे उधर। तो कुछ देर पहले अभी हम लोग उधर थे और हम लोग इधर आ गए हैं अभी, और इस पैच का भी वही हालत है, पूरा मिट्टी मिट्टी। रुको किधर से जाने का है, हम लोग उतना तो क्रॉस करके आ गए हैं। और ये डैम का पानी जो गिर रहा था, वाटरफॉल वाला लुक आ रहा है, सारे लोगों का भीड़ इसलिए इधर ही है। और आरुषी मम्मी पापा यानी कि आरू के दादा दादी उधर ही, क्योंकि इस मडी में फालतू में स्लिप कर जाएंगे। तो हम दोनों जा रहे हैं अपने आँखों को तृप्त करने के लिए मानसून का ये नज़ारा लेते हुए, और देखते हैं उस ब्रिज तक जाएंगे, टारगेट है जो सामने एक ब्रिज है। और गौरव का चप्पल हो गया 2 साल पुराना, तो भयानक स्लिप खा रहा है। अयो ये कांटा मुझे चुभ गया, तो
तो गाना गा दो। उई कांटा लगा। और मेरे चरण कमल की ये अवस्था है, पाँव में मेहंदी लग गई आज। वाओ गौरव, पानी का छींटा फील हो रहा है लेकिन बारिश का छींटा ही है। इधर पानी में जाते फिर ब्रिज पे भी जाएंगे, पहले ब्रिज पे चलें। के इतने नजदीक आ गए हैं और अभी ये वाले कीचड़ में गौरव गिरते गिरते बचा, पैर पूरा घुस गया था। गौरव होना सुंदर सुंदर पैर दिखा। बस अब नहीं है, देखिए चलो
और ये डैम आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस यही है रास्ता आने का कीचड़ वाला, तो इस बार हम लोगों को ये स्टोन वाला रास्ता वापस जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली मिट्टी में पैर देना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये रियागॉम का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे वीडियो में बने रहिए। फिर देखते हैं आगे हम लोग और कहाँ पे जाते हैं। तब तक के लिए गौरव करो बाय, मुंह दिखा के टर्न अराउंड बाय। हम लोग फाइनली पार्किंग से गाड़ी निकल चुके हैं, और ये रास्ते में भी हालत ऐसा है बहुत, पार्किंग उधर जाएगा। हाँ, वो उस गली में घुसाएगा घर के सामने। देखो लाइन से पार्किंग लगा हुआ इस रास्ते पे, ऐसे घुमा के पूरा वहां तक।